हर विधानसभा से एक एक दो दो आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और आपके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में ओबीसी समाज को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, उनका क्या हित है जिससे ये लोग अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां के लोगों को समझाएं और प्रयास करें कि जो ओबीसी समाज कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करके वापस कांग्रेस पार्टी बनाए। कांग्रेस को निकालता हूँ, कोई चिंता नहीं रहती। सुशील आशीष सैनी जी थे जब हमारी कुमारी के कुमारी सैन जाती पिलवाली चुनाव के समय में प्रोटो किसी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली सम्मेलन मैं कहूंगा कार्यशाला जा रही है, ये बेसिकली एक तरह से क्लास है जिस क्लास में हमने ओबीसी के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है हमने उनको बुलाया और बुलाने के बाद एक तरह से जिस तरह से एक स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो ओबीसी समाज है जो छितर बितर हो रखा है उसको इकट्ठा कर कर कैसे पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जाए और क्या उनको समझाया जाए। अच्छा आप ये जानना चाहता हूँ आपसे ओबीसी की तो आज आप लोग बात कर रहे हैं लेकिन मैं राज्यसभा की लिस्ट देखें तो उसमें मैक्सिमम अपर कास्ट है सर और कंपेयर करें बीजेपी से बीजेपी ने ज्यादा ओबीसी के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, बात कांग्रेस करती है काम ओबीसी के लिए बीजेपी करती है, ये फैक्ट भी है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी पॉलिसी अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात करी, जाति जनगणना से क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी किसी समाज का है उसका एक नंबरिंग आएगी कि हमारे यहाँ कितने परसेंटेज के कौन सी कास्ट है, उसके हिसाब से चाहे वो नगर पालिका नगर निगम एमपी एमएलए जितना राजनीति में जो समाज की भागीदारी होनी चाहिए उसका राइट उसको मिलना चाहिए और इसीलिए हम लोग माननीय राहुल गांधी जी को सपोर्ट करते हुए जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग चाहते हैं कि एससी एसटी की तो जनगणना है लेकिन ओबीसी की नहीं है कि ओबीसी की भी जनगणना आए जिससे सबको सबका अधिकार मिल सके। सर ओबीसी की देने की बात होती है तो सर वहाँ पे जब राज्यसभा की लिस्ट थी मुसलमानों में भी सर अपर कास्ट को भेजा गया सर इमरान प्रताप अली नीचे तबके की बात करते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। देखिए उसी के लिए तो जागरूकता और लड़ाई चल रही है लेकिन आप लोग सिर्फ बात करते हैं ना नहीं। देखिए सब लोग देते हैं ऐसा नहीं है और राजनीति में बहुत सारी चीजें फैक्टर मैच करते हैं। आज ये जो सम्मेलन या कार्यशाला हम लोगों ने करी है इसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी हो भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो हम ये बताना चाहते हैं कि ओबीसी को संभाल के रखना सबका नेतृत्व है, खाली राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं कि आज हमने कांग्रेस का सम्मेलन करा, हम बात कर रहे हैं कि ओबीसी के वजन को कैसे दर्शाया जाए ये हर कोई समझे। तो सर आज कौन आए यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में? देखिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास माननीय हरीश रावत जी हैं, माननीय गिरीश कश्यप जी हैं, माननीय प्रकाश जोशी जी हैं जो आए हैं और एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से एक क्लास में प्रोफेसर आके क्लास लेते हैं तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ये लोग हमें मार्गदर्शन। स्टूडेंट बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आपके कार्यकर्ता इसमें? नहीं नहीं ये मैंने पहले बताया ना ये क्लास है, क्लास में कभी भी सम्मेलन अगर मैं करूंगा तो सम्मेलन तो कम से कम कई हजार आदमियों को हो जाता है, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों की क्लास है जिनको अपनी ड्यूटीज बताई जाएंगी कि उस ड्यूटी में वर्कशॉप जिसको मैं कह रहा हूँ हमने इसको कार्यशाला इसीलिए कहा है कि ये कोई सम्मेलन नहीं है ये वर्कशॉप है। आज ओबीसी की यहाँ पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है, हाँ मैं इनको इनके कार्यशाला के मौके पर बहुत बहुत शुभकामना बहुत बधाई देने आया हूँ गौरव चौधरी जी को भी और ये भी बड़ी खुशी की बात है श्रीमती गिरीशी कश्यप जो है फिशरमैन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है तो इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घूम रहे थे सड़कों पर यहाँ पर दुकानदारों से कर रहे थे सम्मेलन मतलब की सदस्यता अभियान चला रहे थे और व्यापारियों से अपील कर रहे थे कि भाई जुड़े सबसे ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं हरिद्वार जिले में जो डकैती पड़ी है उसको लेकर, सुरक्षा की बात कर रही है भाजपा,
भाजपा के राज में अब तो ऐसा लगता है कि उनके कोई सुरक्षित नहीं, न व्यापारी सुरक्षित है, न उद्यमी सुरक्षित है, न नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, और महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, किसान का सम्मान सुरक्षित नहीं है। बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन सारी खोखली है। और अब लोग भाजपा की वास्तविकता को समझने लग गए हैं, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि अब लोग भाजपा के जुए को उतार फेंकेंगे। सर, ओबीसी कार्यशाला में आप शामिल हुए, 2022 में सर टिकट देने की बारी आई थी सर ओबीसी को, ओबीसी के लोग मांग रहे थे, तो लखनऊ से सर एक सैनी को टिकट दिया गया और खानपुर से, तो दोनों ही सीटों पे सर उनके साथ नाइंसाफी हुई, और जबकि मैक्सिमम 3 ठाकुरों को टिकट नहीं, ये दो हरिद्वार जिले से दिया गया, ये दो तो आपके नेतृत्व में ये दो चीजें नाइंसाफी का प्रतीक थी या नाइंसाफी थी सर? यदि नाइंसाफी थी तो ये पहली बार कांग्रेस ने दो सीटों पर ओबीसी को लड़ा है, यहाँ से और हरिद्वार से, ऊधम सिंह नगर से लड़ा है, ऊधम सिंह नगर से 3 लोगों को लड़ा है, तो ओबीसी को टोटलिटी में देखना पड़ता है, और 2 सीटों पर पहाड़ों से लड़ा है, तो कुल मिलाकर के ओबीसी के जो है 7 लोगों को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन अब ओबीसी को आप केवल एक दायरे में नहीं देख सकते ना, उसको विस्तृत दायरे में देख। बिल्कुल होना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जो लोकसभा प्रत्याशी रहे थे हारने के बाद दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ पे, जी पता कर। असल में देखो, जब सत्ता में थी कांग्रेस तो 35 लोगों को हमने मंत्री का दर्जा दिया ओबीसी के, जिसमें से 28 लोग मैदानी क्षेत्र से, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार देहरादून से थे। हम पहली बार है कि ओबीसी को ओबीसी की चेयरमैनशिप से अलग हटा करके हमने जनरल चीजों में भी, जैसे किसान कांग्रेस के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके उनको बनाया, चेयरमैन बनाया। उसी तरीके से जो खनन का विभाग था उसके चेयरमैन जो है उस समय के विधायक जो ओबीसी से थे उनको बनाया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, तो 4 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया। क्लास वाले सर, मैंने गौरव से पूछा, जब राज्यसभा आई थी तो उसमें मैक्सिमम किसी के बहुत कम लोग थे, और कंपेयर करें बीजेपी से तो उन्होंने क्या क्या लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी सर क्या कर देखिए, कर खुद ही को बुलंद इतना, तो हम चाहेंगे कि ओबीसी के उसमें अपने को संगठित करें, अपने को संगठित करें, ताकत के साथ जुटें, तो निश्चित तौर पर ओबीसी को कांग्रेस स्थान देगी और उनका स्थान। मैंने कहा ना कि जिस समय हमारी गवर्नमेंट थी हमने 35 ओबीसी के लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनमें से 3-4 लोग तो यहीं पर विद्यमान, 4-5 लोग तो यहीं पर विद्यमान।